ये पटाखे जो कि है अलग अलग तरीके के, जिनमें से ज्यादातर आपने शायद नहीं देखे होंगे। तो आज हम देखने वाले इन पटाखों को, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास में क्या क्या चीज है। गाइस यहां पर ये जो पटाखा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये चीज क्या है भाई। इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है भाई, DAMO दामो लिखा हुआ है। और एक यहाँ पर तरबूज, ये तो स्ट्रॉबेरी बनी हुई है और यहाँ पर तरबूज बना हुआ है, और इसके पीछे होली लिखा हुआ है। पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है भाई। तो मेरी सबसे पहले इच्छा थी कि पहले इसको देखते हैं गाइज। और इस पूरे पर आगे हमारे स्टैश के ही हैं, ये है गाइज, आप देख सकते हो पुलिंग थ्रेड। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो ओरिजिनल पुलिंग थ्रेड, डोनाल्ड डक कंपनी का है या जो भी है, इसके अंदर कोई पुलिंग थ्रेड है, अब क्या चीज है वो भी देखेंगे। यहाँ पर है गाइज वनीता का मैजिक मैग, और ये भी जो है बहुत ही कमाल का पटाखा होना चाहिए। साइज छोटा है लेकिन साइज पे मत जाना गाइज। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में गाइज वनीता का ही पॉपकॉर्न पटाखा, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके का डब्बा है। इसके बाद ये है, ये कौन सा पटाखा है? सूतली। नहीं सूतली नहीं है, अरे झूठ तो मत बोलो यार। नहीं नहीं खुले में झूठ तो मत बोलो गाइज, इसमें कहीं सूतली तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका भी हमको नहीं पता ये क्या चीज है, इसको भी देखेंगे। और यहाँ पर है गाइज ये स्काई शॉट, नहीं गाइज ये स्काई शॉट नहीं है, ये एक्चुअली में इस तरीके के तीन डब्बे हैं और ये है कोऑर्डिनेशन के। और गाइज आप लोग देख सकते हो इस तरीके के डब्बे हैं। अब हमें इनका भी नहीं पता कि इनके अंदर होने क्या वाला, इनका फंक्शन क्या है, तो वो भी देखेंगे टेस्टिंग करके। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है गाइज वो जरूर से दबा देना। गाइज इन सब वीडियोस में मजा बहुत आ रहा है लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो यार गाइज? अरे आपका चैनल है गाइज, जल्दी लाइक का जो बटन है वो दबा दो, एक बार दबा के देखो गाइज लाइक का जो बटन है ना, उसको दबाने पता क्या होता है, मजा आता है, मजा आता है गाइज। देखो देखो दबा के देखो, बहुत मजा आएगा। फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस शुरुआत यहां पर मैं करना चाहूंगा इसी पटाखे के साथ में, जिसका समझ में नहीं आ रहा, होली लिखा है आगे पीछे। फटाक से इसे खोलते हैं और पहले तो देखते हैं इसके अंदर है क्या। इन सब को हटाते हैं गाइस साइड में। यार समझ में ये नहीं आ रहा कि ये चीज क्या है, इस डब्बे के अंदर ये चीज है, ऊपर वाटरमेलन है, नीचे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी बना हुआ है या कोई बेरी बना हुआ है, ये देखो और ये देखो। और ये है दो पटाखे और इनके पीछे होली लिखा हुआ है। तो गाइस हमारी टेस्टिंग की शुरुआत जो है वो होली पटाखों से हो रही है। अब आई डोंट नो कि होली क्यों लिखा है तो ये जो है फायर वर्क, और यहाँ पे शिवकाशी भी लिखा है जहां पर ये बना हुआ है। ये है वाटरमेलन, ये है स्ट्रॉबेरी, पीछे से दोनों जो है लगभग सेम है गाइस। पहले चलाते हैं वाटरमेलन फिर चलाएंगे इसको। तो भाई पहले इस वाटरमेलन वाले पटाखे को चला के देखते हैं कि आखिरकार ये करता क्या है। लगाई मैंने आग और पीछे हो जाना, कुछ नहीं पता भाई इसमें धुआं निकलेगा या फटेगा या क्या करेगा ये हो। ये क्या था भाई? अब मुझे लगा मुझे लगा कि ये होली पटाखा है, इसमें शायद कलर निकलेगा सिर्फ, बट इसमें तो गाइस पटाखा भी निकल गया और किसी को लगी तो नहीं कुछ भी। चलो गाइस किसी को बिल्कुल नहीं लगी ऐसे तो, एक और है। लेकिन अबे ये खतरनाक चीज है भाई, क्या है ये? अब तो खत्म हो गया। और तेरी इसके अंदर गाइस कलर निकला है सच्ची में, धमाका, पहले अनार फिर धमाका फिर कलर। और गाइस ये है दूसरा वाला, दूर हो जाओ, फटता भाई ये। देखते हैं गाइस ये क्या करता है, क्या निकलेगा इसमें, बहुत देर ले रहा है। ओ तेरी, यार ये पटाखा हर बार सरप्राइज कर रहा है, ये क्या चीज है? वो वाले में पहले वो निकला था फिर फटा था, ये पहले ही फट गया उसके बाद में इसमें अलग ही चीज आरी से निकल रही है। यार अलग ही चीज है बिल्कुल सब कुछ, ये देखो यहाँ पे फटा था और पूरा जो फर्श है उसको भी इसने काला पीला कर दिया। चलो अगले वाले पे आते हैं गाइस, नेक्स्ट वाला कौन सा करें टेस्ट? ये गाइस ये है, ये कुछ अलग ही है, इसको करते हैं टेस्ट, पता मुझे भी नहीं है कि ये क्या चीज है। तो भाई ये है बेनाम पटाखा, हमें खुद भी नहीं पता और ये क्या करता है ये भी नहीं पता। चलो पता लग जाएगा, पीछे जाओ, फट भी सकता है। ओ ओ ओ शिट, इतना सा पटाखा और दम इतना ज्यादा इसमें, यार मजा आ रहा है इस कास्ट की टेस्टिंग में। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, और क्या चीज हमारे पास में, ये कौन सा है? ये है गाइस पुलिंग थ्रेड, ये देखते हैं इसके अंदर क्या चीज है। डब्बा खोला, इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी डब्बियां निकली हैं ऐसी, क्या बात है गाइस,
कितनी सारी, सब पे लिखा है ओरिजिनल पुलिंग थ्रेड। चलो देख लेते हैं इसके अंदर क्या थ्रेड है। तो इसके अंदर है गाइज, ये है बहुत सारी हैं, तो ये देखो गाइज इसके अंदर रस्सियां हैं और हर रस्सी के दोनों साइड, नहीं इस बत्ती सी है और इस बत्ती के दोनों साइड में ये है, इसको पुलिंग लिखा हुआ, पुल करके देखते हैं। उत्तरी बस यही था, नहीं यार छोटी सी आवाज आई, खींच के देखें, जब इसको खींचते हैं तो ये फटता है, देखना ये देखो भाई, रस्सी खींचो और सीधा पटाखा चलता है देखो, और सेफ भी है भाई, दो एक साथ खींच रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। ओ दोनों चल गए एक साथ। तो भाई रात हो चुकी है और अब जलाएंगे हम ये मैग और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इस बॉक्स के अंदर है भाई पांच और बॉक्सेस अलग अलग कलर के, कोई सा भी कलर रेड ले लेते हैं और इसको खोलते हैं। तो अंदर मिलता है भाई ये क्या है सर? ये तो टट्टी है। थैंक यू। ये है एक बड़ा सा इस तरीके के डिस्क, जैसे सांप की गोली आती है लेकिन साइड में बड़ी आग लगाते हैं, और देखते हैं क्या होता है। ये लो भाई। ओ अबे इतनी जल्दी, अरे यार ये तो मस्त है यार। इस बार चार चार पटाखे हैं और गाइस देखते हैं इस बार क्या मजा आता है। लगा है और हट जाओ। कितना देर तक चल रहा है देखो भाई, कितना देर तक चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है गाइस। चलो अगला पटाखा ले आओ। तो भाई पॉपकॉर्न पटाखा निकल चुका है बाहर, इसको भी जलाते हैं और पीछे ही रहेंगे। अबे तो बहुत जल्दी आता है, कितना उधर आ रहा है वो यार, मस्त है भाई साहब। ओए नहीं 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 नहीं, पास नहीं जाना गाइस, कितना मस्त चला यार ये पटाखा। अरे यार यार गजब जी, चलो नेक्स्ट वाला ले आओ। ये है कॉर्निश, ओए ऐसे तीन है यार, तीनों जलाएं, तीनों जलाते हैं एक साथ, रखो हमारे पास में तीन पटाखे थे, तीनों जलाएंगे भाई। येलो येलो येलो, एक साथ लगाना, एक साथ एक साथ, ठीक है। और पीछे मुंह रखना, पिछली बार करना हो जाए। इन 3 2 1 गो। क्या बात है भाई, अभी ऊंचा जा सकता है। अबे यार भाई कितना शानदार अनार है। अभी रुको रुको भी, क्या बात है भाई, नीले वाले में ज्यादा शक्ति है। अभी रुको, इसको धोखे मत रहना, हो सकता है और कुछ हो जाए। चलो ठीक है, इस पूरा बुझने के बाद ही पटाखे के पास में जाना चाहिए। ये भी सही था यार, लेकिन इसका जो साइज था ना, मुझे लगता है उसके हिसाब से और ज्यादा देर चलना चाहिए था। साइज इतना बड़ा है और चला है पिछले वाले के बराबर ही, और उससे नीचा ही था। वो वाला तो बिल्कुल ही मस्त था जो पॉपकॉर्न था। चलो नेक्स्ट वाला ले आओ भाई। और नहीं है, है? खत्म हो गए। तो भाई जो पटाखे हैं वो हो चुके खत्म। यहाँ पर बहुत सारा मजा आ चुका है, मन कर रहा है कि और जलाए, लेकिन आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइज। और जो है नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, लेकिन आप सब लोग अब इस वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है वो जरूर से टॉक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार